नमस्कार, नेक्स्ट लाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद पहली बार संसद भवन पहुंचे और संसद भवन में पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मायावती की तारीफों के पुल बांध दिए। दरअसल एक चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान यहां पर चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद और मायावती और पूरी बसपा पार्टी की तारीफ भी करते नजर आए और जो उनकी कमियां हैं वो भी गिनाते नजर आए। चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि भाई आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया है, तब आजाद कहते हैं कि भाई आकाश आनंद के लिए बहुत बहुत बधाई और आकाश आनंद मेरे छोटे भाई हैं। वहीं मायावती को लेकर यहां पर आजाद कहते नजर आते हैं कि उन्होंने हमेशा दलितों के हित में काम किया है और अब बहन जी का रिटायरमेंट का टाइम है, वो रिटायरमेंट ले लेंगे, ऐसे में आकाश पार्टी की बागडोर संभालेंगे, उनके लिए बधाई। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये चर्चा तेज हो गई है कि भाई अभी तक जो चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद मायावती की तारीफ कैसे करने लगे। आखिरकार वो चंद्रशेखर आजाद जो संसद भवन में पहुंचे, मैं आपको बता दूं संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद ने कल शपथ भी ली, आज स्पीकर के सामने अपनी बात भी रखी और बातों ही बातों में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों के हित में बात भी रखते नजर आए। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ दलितों के हित में करते नजर आएंगे, नगीना की जो जनता है उनके हित में करते नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ नगीना पर देखिए दलितों का समीकरण नहीं है, मुस्लिम की संख्या भी नगीना सीट पर बेहद ज्यादा मानी जाती है और यहाँ पर अगर आजाद की जीत हुई है तो सिर्फ उसका पूरा क्रेडिट हम दलितों को नहीं दे सकते, मुस्लिम वर्ग ने भी यहाँ पर आजाद का साथ दिया है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से अकेले चुनाव जीत कर आए हैं और देखा जाए तो उनकी पार्टी के अकेले वो नेता हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की कोशिश तो देखिए पार्लियामेंट में तमाम पार्टियों की तरफ से करी जाएंगी, लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड इस समय आजाद की तरफ से देखा गया, पॉजिटिवली देखा गया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को सही तरीके से आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन 5 सालों में कितनी बार चंद्रशेखर आजाद या मायावती को याद करते नजर आएंगे, क्योंकि अगर दलितों के नेताओं में सबसे पहले नाम किसी का आता था तो वो मायावती का आया करता था और अब मायावती के बाद यहाँ पर चर्चा चंद्रशेखर आजाद की है कि भाई कहीं ना कहीं आजाद दलितों के मसीहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आजाद आखिरकार क्या करते नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।